चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021। इस विषय के अंतर्गत हम विस्तार से देखेंगे इस नीति के बारे में कि इस नीति में क्या क्या है, इससे संबंधित चुनौतियां क्या है, इस नीति का महत्व क्या है और दुर्लभ बीमारियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि ये होती क्या हैं और किस कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 हाल ही में जारी की है, इस वजह से ये चर्चा में है। अब हम देख लेते हैं कि दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले तो मंत्रालय ने इस क्षेत्र के लिए विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों आदि से इसके बारे में उनका राय और परामर्श मांगा और उस परामर्श के आधार पर एक नीति तैयार की। 13 जनवरी 2020 को दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति को सार्वजनिक कर दिया गया था, जिस पर सभी हितधारकों, इससे संबंधित लोगों और राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, आम जनता से इस पर टिप्पणियां और विचार मांगे गए थे। मंत्रालय द्वारा इससे संबंधित एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सभी परामर्श और विचारों पर गहन अध्ययन किया, उसके बाद इस नीति को फाइनल किया गया। यह नीति स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों जैसी प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और ज़्यादा जोखिम वाले मरीजों से संबंधित अनुसंधान और उपचार से संबंधित कार्य करेगी। इससे त्वरित जांच संभव हो पाएगी और बचाव पर भी ध्यान दिया जाएगा, ये इस नीति की विशेषता है। साथ में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित निदान केंद्रों द्वारा भी जांच को इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि इस नीति में फाइनेंस की क्या व्यवस्था की गई है। तो इस नीति में आरोग्य निधि योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता उन दुर्लभ बीमारियों के लिए दी जाएगी जिनको इस नीति में समूह एक के तहत सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि इस राष्ट्रीय नीति में जो सूची एक में बीमारियां सूचीबद्ध है उनके लिए ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में ना केवल बीपीएल परिवारों को शामिल किया जाएगा बल्कि उन सभी परिवारों को शामिल किया जाएगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र है। वो सारी आबादी, 40% आबादी है ये टोटल, जो इसके इस योजना के लिए पात्र है, वो भी इस दुर्लभ बीमारियों की नीति के तहत आर्थिक सहायता पाने के लिए योग्य माने जाएंगे। यहाँ ये सारी नीति क्यों लाई गई और इसकी क्या आवश्यकता थी, इस पे बात हम कर चुके हैं कि इस नीति में क्या क्या है, लेकिन यहाँ पर ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि इस नीति को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, दुर्लभ बीमारियों से संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या है। सबसे पहले तो दुर्लभ बीमारियाँ बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। बहुत कम लोगों में पाए जाने की वजह से इसमें बचाव, उपचार, अनुसंधान, लागत, ये सारी समस्याएँ हैं। तो अगर एक लाइन में हम कहें तो इसमें रिसर्च की भी कमी है, इलाज में लागत भी बहुत ज़्यादा है, बचाव भी बहुत कम है, स्टार्टिंग स्टेज में बीमारी का पता भी बहुत कम चल पाता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं इससे संबंधित। तो दुर्लभ बीमारियां ही कुछ ऐसी होती हैं जो कि अपने नाम और विशेषताओं की वजह से ही इसको काफ़ी जटिल बना देती है। इसमें बचाव, उपचार और प्रबंधन में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। पहली चुनौती की अगर बात हम करें तो इसमें सबसे पहली चुनौती प्राथमिक देखभाल और चिकित्सकों से संबंधित होती है और पर्याप्त जांच की कमी भी होती है। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी कमी होने के साथ ही एक जो बहुत बड़ी कमी होती है वो होती है लागत की। दुर्लभ बीमारियों का जो उपचार होता है उनकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी काफ़ी बार बोल चुका है कि दुर्लभ बीमारियों से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति का होना बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादातर दुर्लभ बीमारियों के लिए अनुसंधान और विकास की भी कमी है। जाहिर सी बात है कि जहां रिसर्च बहुत कम होगा तो वहां पर उसकी दवाइयां भी कम बनेंगी, दवाइयां कम बनेगी तो हम लोग एक्सपोर्ट पर निर्भर होंगे और दवाइयाँ महंगी भी होंगी। तो भारत के अंदर इसमें अनुसंधान और विकास पर भी बहुत कम काम हुआ है।
इस काम के कम होने की वजह से इन बीमारियों से संबंधित ना तो हमें विकारों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, ना इन विकारों की हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी है, और बहुत कम मरीज और बहुत कम डॉक्टर होने की वजह से सभी के डॉक्टरों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं है। तो ये इसकी दूसरी समस्या है। इसके साथ ही अनुसंधान पे हम थोड़ा बात तो कर ही चुके हैं, क्योंकि मरीजों का एक बहुत छोटा समूह होता है, इसके लिए अक्सर अपर्याप्त चिकित्सकीय अनुभव यानी कि डॉक्टर्स के पास पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं है इसका। दुर्लभ बीमारियों से जुड़ी बीमारियों और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दवाओं की उपलब्धता और पहुंच बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हम हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ये भी एक बहुत अहम चुनौती है। इसमें हम यहाँ पर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित चुनौतियों का जिक्र कर चुके हैं, और जो अभी नीति आई है उसकी भी बात हम कर चुके हैं। इतनी सारी चुनौतियों को जानने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस नीति का महत्व क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। इसकी इम्पॉर्टेंस संयोजक के रूप में है, यानी कि कनेक्टिविटी के रूप में। बहुत सारी संस्थाएं हैं, मंत्रालय हैं और बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, इन सब के बीच में ये नीति संयोजक के रूप में काम करेगा। दुर्लभ बीमारियों की नीति का ये मुख्य उद्देश्य है। इसमें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संघ की सहायता से स्वदेशी अनुसंधान पर ज़्यादा जोर दिया जा सके, इसके लिए कनेक्टिविटी का काम ये नीति करेगी। इसके अलावा अनुसंधान और विकास और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर ज़्यादा जोर इसमें दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, बीमारियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, और बीमारियों के बाद में पता चलने पर हम हमारे देश में ही उनको बना पाएँ और वो सस्ती लागत पर मरीजों को उपलब्ध हो पाए। नीति में दुर्लभ बीमारियों की एक राष्ट्रीय स्तर की अस्पताल आधारित रजिस्ट्री तैयार करने की बात भी की गई है। अगर हमारे पास कलेक्टिव डाटा होगा कि हमारे पास कितने मरीज हैं, एक साल में कितने मरीज आते हैं, कौन सी बीमारी के लिए मरीज ज़्यादा आते हैं, कौन सी बीमारी के लिए कम, तो ये डाटा हमारे अनुसंधान में भी काम आएगा और दवाओं को बनाने में भी काम आएगा, लागत को कम करने में भी काम आएगा। तो इस रजिस्ट्री की भी बात इसमें की गई है। इसके अलावा इस नीति में क्राउड फंडिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या होगा कि कंपनियों और लोगों को दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए एक मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन मिल पाएगा। ये जो वित्तीय समर्थन आएगा क्राउड फंडिंग के माध्यम से, इसका पहले तो यूज़ किया जाएगा मरीजों पे, जो कि दुर्लभ बीमारियों से संबंधित तीन श्रेणियां होती हैं उनके उपचार में, और जो पैसा इसमें बचेगा उसको अनुसंधान पे खर्च किया जाएगा। तो यहाँ हम बात कर चुके हैं इस नीति के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आखिर दुर्लभ बीमारियां होती क्या हैं। दुर्लभ बीमारियाँ यानी ऐसी स्वास्थ्य स्थिति या रोग जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, बहुत ही रेयर होती है, इनको रेयर डिजीज़ कहा जाता है। परिभाषा की अगर बात करें तो इसकी सार्वभौमिक कोई परिभाषा नहीं है, हर देश में इसकी अलग अलग परिभाषा है। 80% ये बीमारियां जेनेटिक होती हैं, ये इनकी आम बात है, और इसी वजह से बच्चों पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। हमारी राष्ट्रीय नीति की बात अगर हम करें तो इसमें दुर्लभ बीमारियों में आनुवंशिक रोग, दुर्लभ प्रकार के कैंसर, इसके साथ ही उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग और साथ ही में अपक्षय रोगों को इसमें शामिल किया गया है। ये है हमारी राष्ट्रीय नीति के आधार पर हम दुर्लभ बीमारियों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर देश में द्वितीयक अस्पतालों में करीब 450 दुर्लभ बीमारियों की लिस्टिंग की गई है। इनमें कुछ रोग शामिल हैं जिसमें हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑटो इम्यून रोग और गोचर रोग और सिस्टम फाइब्रोसिस, ये जो है मुख्य रोग इसमें शामिल किए गए हैं जो लिस्टिंग की गई है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो 7000 से ज़्यादा दुर्लभ रोगों की पहचान की गई है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस या जो सबसे ज़्यादा प्रचलित लोगों में पाए जाने वाले रोग हैं उनमें हंटिंगटन्स डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी वगैरह कुछ खास प्रमुख रोग इसमें शामिल हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये दुर्लभ बीमारियां कितनी तरह की होती हैं। इसमें तीन श्रेणियां होती हैं, ये प्रकार नहीं है, इनको डिवाइड किया गया है इनके इलाज के टाइमिंग और इनकी लागत के आधार पर।
सबसे पहला अगर इसकी श्रेणी की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये उपचारात्मक होता है, यानी कि इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन इलाज एक ही, मतलब कम टाइम में इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। ये इसकी पहली श्रेणी में आता है। दूसरी श्रेणी में वैसी बीमारियाँ आती हैं जिनमें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है और लागत भी कम होती है। तीसरी श्रेणी में ऐसी बीमारियाँ आती हैं जिनका इलाज महंगा भी होता है और इलाज लंबे समय तक भी चलेगा, यानी कि कॉस्टली भी है और ज़्यादा समय तक भी चलेगा। इस तरीके से इसको तीन श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। अब हम देख लेते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसमें आरोग्य नीति योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए सरकार 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। कथन दो, इस योजना के तहत केवल बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। उपरोक्त में से सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी, ये इसका सही उत्तर है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।